फिर सोशल रिफॉर्म्स होता है। तो इसलिए एजुकेशन बड़े पैमाने पर सुविधाएं यदि एजुकेशन की लड़कियों को दे दिया जाए तो प्रजनन दर और ये जो आपने चाइना का सवाल है इसका हल निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, आप न्यूज़ फोरनेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। जनसंख्या के मामले में भारत नंबर वन पे बन गया है। सीमित संसाधन में लोगों को संसाधन दे पाना बड़ा ही कठिन है। बता दें कि इसी क्रम में जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने जनसंख्या को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने नीतीश कुमार के स्टैंड को अच्छा बताया और कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा कि अगर महिलाएं शिक्षित होगी तो जाहिर सी बात है कि प्रजनन दर ऑटोमेटिक कम होगा। पहले आप को सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह का। एक तो कानून हर चीज के जवाब नहीं है, कानून भी एक सहारा है, कानून भी एक सहारा है। इसलिए देखिए इसको कई इशू ऐसे होते हैं जो समाज में परिपाटी के रूप में परंपरा के रूप में चलते हैं, फिर सोशल रिफॉर्म्स होता है। तो इसलिए एजुकेशन बड़े पैमाने पर सुविधाएं यदि एजुकेशन की लड़कियों को दे दिया जाए तो प्रजनन दर और ये जो आपने चाइना का सवाल है इसका हल निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा, बता दें कि वहीं विपक्ष लगातार इन सब मामलों को लेकर बिहार सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से एक जाति में जो है अधिक जनसंख्या देखी जा रही है वह है मुस्लिम। अगर बात किया जाए तो किशनगंज के इलाकों में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है, यह किसी और का नहीं कहना है बल्कि बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा। वहीं वशिष्ठ नारायण सिंह ने इन सब बातों को खारिज करते हुए कहा कि जिस हर चीज़ को कानून में लाना, एक दायरे में रहना, ये ठीक नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा है कि लड़कियां पढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि प्रजनन दर कम होगा। एक तो कानून हर चीज के जवाब नहीं है, कानून भी एक सहारा है, कानून भी एक सहारा है। इसलिए देखिए इसको कई इशू ऐसे होते हैं जो समाज में परिपाटी के रूप में परंपरा के रूप में चलते हैं, फिर सोशल रिफॉर्म्स होता है। तो इसलिए एजुकेशन बड़े पैमाने पर सुविधाएं यदि एजुकेशन की लड़कियों को दे दिया जाए तो प्रजनन दर और ये जो आपने चाइना का सवाल है इसका हल निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं।